विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान चिकित्सकों रा पदा ने भरवा और मगरा क्षेत्र विकास योजना ने लेर मंत्री दिना जवाब। पंचायती राज मंत्री कया 5 जिला में मगरा क्षेत्र विकास योजना रे तहत 38 करोड़ सुबत्ती राशि करेगी आवंटित। इलेक्टोरल बॉन्ड मामला में SIT जांच करावारी याचिका माथे सुप्रीम कोर्ट आज करेला सुनवाई। याचिका में राजनीतिक दला ने कथित रिश्वत देवारो लगायो गयो है आरोप। जैसलमेर माए सौर ऊर्जा संयंत्र ने लेर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी माए राज्य सरकार और हुड़को रे बीचे हुयो MOU। संयंत्र रा लागबासू 400 मेगावाट सौर ऊर्जा रो वेलो उत्पादन। पेरिस ओलंपिक माए भारत रे अभियान री आज वेली शुरुआत। भारत रो पहलो मुकाबलो तीरंदाजी माए। काल होबा वाली ओलंपिक सेरेमनी सु वेली खेलारी आधिकारिक शुरुआत। और प्रदेश में तेज बरखासू लोगों ने उमस भरी गर्मी से मिली राहत। मौसम महकमा आवन वाला 5 दिन तक पूर्वी राजस्थान में मानसून सक्रिय रहेवारो जतायो अनुमान। नमस्कार, DD राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आप लोग घने मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके साथ है विकास और अब खबरा विगतवार। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान चिकित्सका रा पदा ने भरबा और मगरा योजना ने लेर मंत्री जवाब दीना। पंचायती राज मंत्री ओटाराम देवासी बताया कि चित्तौड़गढ़ में मगरा क्षेत्र विकास योजना रे तहत 58 लाख सुबत्ता का मंजूर हो गया है। वणा कहो कि 5 जिला में इन योजना रे तहत 38 करोड़ सुबत्ती राशि आवंटित करी गई है। और अभी जो लगे हुए हैं वो है 53, रिक्त पद है 31, ये तो आ गया 63% जो है इनकी वैकेंसीज भरी है, जो कि राजस्थान के इट इज हाई। दूसरी चीज, नॉन गेजेटेड ऑफिसर है उसमें 465 में से 328 लगे हैं, 137 रिक्त है, इसका मतलब 71% इनके चिकित्सक लगे हैं, जो कि बाकी एरिया से मच हायर है। और आपको यही आश्वासन देना चाहता हूं, अभी हम 50,000 भर्ती कर रहे हैं। हम जितने भी जो जहां जहां रिक्त पद है हम वहां पूरे राजस्थान में हम भर देंगे। 5 जिले हैं, 5 जिलों में अभी तक 38 करोड़ 93 लाख 10 हजार रुपए दिए, उसमें आपके चित्तौड़ में 66 लाख 46 हजार रुपए दिए, उसके अनुसार अजमेर ब्यावर में 7 करोड़ 16 लाख रुपए 53 हजार, भीलवाड़ा में 4 करोड़ 2 लाख 65 हजार और चित्तौड़ में 66 लाख 46 हजार, पाली में 3 करोड़ 71 लाख 78 हजार, राजसमंद में 23 करोड़ 35 लाख 58 हजार, ये पैसे आपके जिले में दिए गए। इलेक्टोरल बॉन्ड मामला में SIT जांच कराबारी याचिका माथे सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेला। याचिका में राजनीतिक दला ने कथित रिश्वत देबारो आरोप लगायो गयो है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कया कि राजस्थान ने ऊर्जारा क्षेत्र में सिरमौर बनावा समेत पेयजल और सिंचाई खातर बुनियादी ढांचा ने मजबूत करण खातर राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री जयपुर स्थापित मुख्यमंत्री कार्यालय में जैसलमेर स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र रो वर्चुअल रूप में उद्घाटन करियो। इन मौका माते हुड़को और राज्य सरकार बीच MOU भी हुयो। संयंत्र रा लागबासू 400 मेगावाट सौर ऊर्जा रो उत्पादन वेलो। रोडवेज में 5 नवी बसा शामिल करी गई है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बीरवा रोडवेज मुख्यालय पूगर बसा ने हरी झंडी दिखाई। ये सगली बसा सुपर एक्सप्रेस ब्लू लाइन BS6 श्रेणी री है। आपने बता दा कि रोडवेज 510 बस चेसिस री खरीद खातर LOA जारी करियो है, जिन मायने सु 132 बसारा चेसिस अबार ताई रोडवेज ने मिल चुकिया है। जयपुरा स्वास्थ्य भवन मायर राजकीय और निजी चिकित्सका संस्थाना माय मोत्रा काढणारा चिकित्सकीय प्रमाणपत्र MCCD रा प्रपत्र 4 प्रैक्टिस रे सुदृढ़ीकरण विषय माथे बैठक आयोजित करेगी। निदेशक जनस्वास्थ्य डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर बताया
कि दिल्ली एम्स का सेंटर ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन दल जोधपुर और भरतपुर संभाग में एमसीसीडी विषय माते अध्ययन करिया हा। उच्च न्यायालय रा निर्देशारी अनुपालना माए देवस्थान महकमा कानीसु जारी आदेश के तहत जिला कलेक्टर जयपुर ने गलताजी पीठ रो प्रशासक नियुक्त करियो गियो है। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित मंदिर ठिकाना गलताजी री समस्त परिसंपत्तियां रा प्रबंधन और संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित करवा खातर सहायतार्थ प्रबंधन और संचालन समिति रो गठन करियो है। जिला कलेक्टर बताया कि उच्च न्यायालय गलताजी रा महंत अवधेशाचार्य री नियुक्ति ने अवैध घोषित करता थका गलताजी और वणारी समस्त परिसंपत्तियां रो प्रबंधन और संचालन राज्य सरकार और देवस्थान महकमा ने करबारा निर्देश दिना गया है। राजस्थान आयकर महकमा कानीसू काल जयपुर कार्यालय में स्थापना दिवस मनायो गयो। इन मौका माते करदाता और प्रतियोगिता में पहलो स्थान पाबाला विद्यार्थियों रो मान करियो गयो। सभी करदाताओं को, राजस्थान के सभी मतदाताओं को, सभी नागरिकों को और सभी निवासियों को, यहाँ इतने लोग मौजूद, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। हमारे विभाग के सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी और रिटायर्ड अधिकारी, रिटायर्ड कर्मचारी जो भी यहाँ पर आए, उन सबका बहुत बहुत मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। 162वां आयकर दिवस मनाया गया है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश का ये आयकर विभाग इतना अच्छा काम कर रहा है। और आज मैंने देखा कि कितने लोग इससे जुड़ना चाहते हैं, इसका जो एक भय बना हुआ है उसको दूर करना चाहते हैं। हमारे जो टैक्स के जो रूल्स हैं वो हर साल रिलैक्स होते हैं, कुछ ना कुछ उसमें छूट मिलती है, तो एक आम आदमी इससे जुड़ जाए। और इनका नारा आज जो रहा वो रहा कि हर करदाता राष्ट्र का निर्माता, यानी जो हम कर दे रहे हैं, एक आम आदमी जो कर दे रहा है उसी से हमारा राष्ट्र निर्माण होता है। ये जो आप सड़क पर जब गुजर रहे हैं तो अच्छी अच्छी सड़कें आपको देखने को मिल रही हैं, ये जो है फ्लाईओवर्स मिल रहे हैं, ये सब बांध मिल रहे हैं, ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी? जब आप टैक्स देंगे और सरकार के पास इतनी निधि हो कि वो इन सब कार्यों में उसको उपयोग कर सके। आयकर विभाग का जन्मदिन है और इस संबंध में, चूँकि आयकर विभाग अपने आप में अलग से अस्तित्व नहीं है, उसका सब करदाताओं का और सब जनता का उसमें सहयोग है, तभी आयकर विभाग इतना अच्छे प्रगति कर पा रहा है। इसी संबंध में हमने समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया, उनको सम्मानित किया, अच्छे करदाताओं को, और उनके सहयोग से हमें पूर्ण विश्वास है कि विभाग निरंतर प्रगति करेगा, अच्छा देश में कर मिलेगा तो विकास होगा। और हमने अपने भावी करदाताओं को भी तक आउटरीच किया, इस संबंध में हमने बच्चों को बुलाया और उनको भी विभिन्न प्रतियोगिता के माध्यम से कि आयकर कैसे जमा होता है उसके बारे में उन्हें जानकारियां दी। और अब खबरें खेल सु। पेरिस ओलंपिक में भारत का अभियान की शुरुआत आज सुवेली। इन दौरान भारत को पहलो मुकाबलो तीरंदाजी में हुएलो, वटे पेरिस ओलंपिक खिलाड़ी आधिकारिक शुरुआत काल होबा वाली ओलंपिक सेरेमनी सु वेली। पेरिस ओलंपिक खेला में इन बार 206 देशारा लगभग 10,500 एथलीट्स भाग ले रिया है। भारत कानीसु 117 एथलीट्स रो दल शामिल हुयो है। यो खेल 11 अगस्त ताई चालेला। बीकानेर तीरंदाजी कोच अनिल कुमार जोशी बतायो कि भारत रा एथलीट्स जोरदार प्रदर्शन री उम्मीद लगाई जा रही है। पेरा ओलंपिक में भाग लेबा वाला एथलीट श्याम सुंदर स्वामी भारतीय खिलाड़िया ने बधाई देनी है। ओलंपिक जिसमें भारत के करीब 117 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और निश्चित रूप से इस बार पदकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और हमें उम्मीद है कि इस बार पदकों का रिकॉर्ड भी टूटेगा। मैं पेरिस में आयोजित ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी भारतीय खिलाड़ियों को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से जब हमारे खिलाड़ी वापस वतन लौटेंगे तो पदकों के साथ लौटेंगे। पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी भारतीय खिलाड़ियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं आशा करता हूं कि इस बार पदकों की संख्या बढ़ेगी। मैं होने वाले पेरा ओलंपिक में
पेरिस ओलंपिक में भाग लूंगा। प्रदेश में मानसून सत्र में भले ही सबसे बत्ती 56% बारिश टोंक में हुई हो पर बिशलपुर बांध समेत जिला रा 2 दर्जन सु ज्यादा बांध एड़ा है जका अबार ताई खाली पड़िया है। बिशलपुर बांध में सिर्फ 315.5 मीटर रा मुकाबला 310.17 मीटर पानी ही अबार ताई मौजूद है। जो बांध री भराव क्षमता रो सिर्फ 29% ही पानी है। बांध माते अबार ताई 458 mm बारिश दर्ज की जा चुकी है। तो वैसे उसका अलग डिवीजन बैठा हुआ है और फिर भी वहाँ ऊपर के जिलों में बारिश नहीं है इसलिए पानी कम आया है और अभी स्थिति वो नहीं है कि ज़्यादा पानी चाहिए। हुई थी कुछ एरिया में टोडा मालपुरा की साइड में एक बारिश अच्छी हुई थी लेकिन पर्याप्त बारिश पूरे जिले में नहीं है। बांध और जितने भी पिलाई के और ये जो बांध वगैरह सारी खाली पड़े हुए हैं। बिशलपुर में जहाँ तक सवाल है बिशलपुर में पानी की आवक हुई नहीं कारण कैचमेंट एरिया में बारिश नहीं है। जब तक भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ अजमेर यहाँ बारिश नहीं होगी कैचमेंट एरिया में तब तक बिशलपुर में पानी का आवाक नहीं होगा और बिशलपुर में पानी की आवाक नहीं होगी तो सबसे ज्वलंत समस्या तो पेयजल को लेकर है। इस मानसून सत्र में राजस्थान में सबसे ज्यादा बरसात हुई है टोंक जिले में 346.46 mm बरसात हो चुकी है। लेकिन अगर बात बांधों की जाए तो जल संसाधन विभाग के अधीन 30 बांधों में से 24 बांध अभी तक खाली हैं। 6 बांध जो भरे हैं वो मालपुरा क्षेत्र में भरे हैं जहां सबसे ज्यादा बरसात हुई थी एक ही दिन के अंदर। वहीं बिशलपुर बांध के अंदर 315.5 मीटर के मुकाबले 310.17 mm पानी मौजूद है जो कि चिंता की बात है। बांध के अंदर 38.5 TMC के मुकाबले महज 10.TMC पानी होना और जल अधिग्रहण जिलों भीलवाड़ा अजमेर चित्तौड़गढ़ राजसमंद से पानी की आवक नहीं होना बांध की चिंताएं बढ़ा रहा है। वहीं उम्मीद की किरण बाकी है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सावन के महीने में मानसून जमके बरसेगा और बिशलपुर सहित जिले के बांध लबालब होंगे। रवि टेलर, डीडी न्यूज टोंक। खबर मौसम सु, प्रदेश में तेज बारिश सु लोगों ने उमस भरी गर्मी सु राहत मिली है। मौसम महकमा रे मुजब आवन वाला 5 दिना ताई पूर्वी राजस्थान में मानसून सक्रिय रहेलो। इन दौरान जयपुर अजमेर संभाग रे साथे साथे शेखावटी शेतारा कुछ ठोरा माथे भी मध्यम सु तेज और कठी कठी भारी बिरखा हो बारी संभावना मौसम विभाग जतायो है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य खबर एक फिर। विधानसभा में आज प्रश्नकाल रे दौरान चिकित्सा पदा ने भरना और मगरा क्षेत्र विकास योजना लेन मंत्री दिना जवाब। पंचायती राज मंत्री कहो कि 5 जिला में मगरा क्षेत्र विकास योजना रे तहत 38 करोड़ से अधिक की राशि की गई आवंटित। इलेक्टोरल बॉन्ड मामला रे माथे SIT जांच करवा रही याचिका माथे सुप्रीम कोर्ट आज करेला सुनवाई। याचिका रे मायने राजनीतिक दला ने कथित रिश्वत लेवंडो लगायो गयो है आरोप। जैसलमेर में सौर ऊर्जा संयंत्र ने लेर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में राज्य सरकार और हुड़को रे बीच हुयो MOU। संयंत्र लागना सु 400 MW सौर ऊर्जा रो होवेला उत्पादन। पेरिस ओलंपिक में भारत रे अभियान की आज वेली शुरुआत। भारत रो पहलो जको मुकाबला वो तीरंदाजी में है। काले होने वाले ओलंपिक सेरेमनी में हुवेला खिलाड़ी आधिकारिक शुरुआत। प्रदेश में तेज बिरखा सु लोगों ने उमस भरी गर्मी सु मिली राहत। मौसम विभाग आगामी 5 दिनारे मायने पूर्वी राजस्थान मायने मानसून सक्रिय रेबारी जताई संभावना। राजस्थानी खबरों का बुलेटिन 8 पूरा हुआ। आप देखता रहिए जो DD राजस्थान। नमस्कार।